लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि न्यूटन के फॉर्मूले से किस तरह से न्यूटन ने अपने फॉर्मूले से स्पीड ऑफ साउंड को डिफाइन करना सिखाया था कि किस तरह से हम स्पीड ऑफ साउंड जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। न्यूटन का जो फॉर्मूला था फॉर स्पीड ऑफ साउंड वो ये था कि उस मीडियम का जो प्रेशर है डिवाइडेड बाय उसी मीडियम की जिसके अंदर आप स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट कर रहे हैं उसकी डेंसिटी से डिवाइड कर दिया जाए अगर प्रेशर को और फिर इनका अंडर रूट दे लिया जाए तो ये आपके पास स्पीड ऑफ साउंड निकल आती है। अब इसमें मसला ये हुआ था कि न्यूटन ने जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई फाइंड आउट की थी, न्यूटन ने ये फाइंड आउट की थी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। उसने कहा था कि टेम्परेचर को जो है कॉन्स्टेंट मान लिया जाए और बॉयल्स लॉ को इस्तेमाल करते हुए न्यूटन ने ई की वैल्यू निकाली थी। लेकिन अगर किसी भी प्रोसेस में टेम्परेचर को जो है कॉन्स्टेंट रख दिया जाए तो ये आइसोथर्मल, इस प्रोसेस को आइसोथर्मल कहते हैं। लेकिन लैपलेस ने बाद में ये कहा कि हम जो स्पीड ऑफ साउंड है उसे ऐसे थर्मली फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ साउंड टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं रहता जबकि हीट जो है वो कॉन्स्टेंट रहती है और ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट जो है आपकी हीट कॉन्स्टेंट रहे उस प्रोसेस को आप एडियाबैटिक कहते हैं। इन दोनों चीज़ों के बाद में हम बाद में बात करेंगे कि एडियाबैटिक और आइसोथर्मल क्या चीज़ है, लेकिन तब तक के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि अगर किसी प्रोसेस में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो तो वो आइसोथर्मल होता है और अगर हीट कॉन्स्टेंट हो तो वो एडियाबैटिक होता है। अब इसी बात को अपना बेस मानकर इसी बात पे जो है लैपलेस ने इस फॉर्मूले को करेक्ट किया था जिसे हम लोग कहते हैं कि लैपलेस करेक्शन फॉर्मूला। ये लैपलेस का करेक्शन फार्मूला था इसलिए हम इसे लैपलेस करेक्शन कह देते हैं। जो लैपलेस करेक्शन थी वो ये थी कि अब उसने कहा कि अब जो हम स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट करेंगे हम भी वॉइस लॉ को ही अपना स्टैंडर्ड मानकर करेंगे लेकिन हम टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट नहीं बल्कि हीट को कॉन्स्टेंट मानेंगे। जब लैपलेस ने ये बात की तो जो वॉइस लॉ का फॉर्मूला था जो कि P1V1 P2V2 ये वाला फार्मूला जो वॉइस लॉ का है उसने ये कहा कि बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला तो ये है लेकिन हम इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में लेंगे कि PV की यानी वॉल्यूम के ऊपर गैमा की पावर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इस चीज को हम कॉन्स्टेंट मानेंगे। ये जो गैमा है कि गैमा इस कॉन्स्टेंट रेशियो होती है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी गैस या उसी गैस की एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर, यानी प्रेशर और वॉल्यूम के साथ जब कॉन्स्टेंट मोलर स्पेसिफिक हीट ली जाए किसी भी गैस की तो उसे हम लोग गैमा कहते हैं। इस चीज़ के बारे में भी हम लोग बाद में डिटेल में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे कि मोलर स्पेसिफिक हीट आखिर है क्या, बट गैमा जो है वो कॉन्स्टेंट प्रेशर होती है इन दोनों की और गैमा की वैल्यू जो है डिफरेंट गैसेज के लिए डिफरेंट होती है। जैसे कि जो डायटोमिक गैसेज होती हैं, अगर हम डायटोमिक गैसेज की बात करें तो डायटोमिक गैसेज के लिए की वैल्यू 1.4 है और जो मोनोटॉमिक उनके लिए की वैल्यू आई थिंक 1.67 समथिंग होती है। इसी तरह गैमा की जो वैल्यू है ये वेरी करती चली जाती है। अब हम लोगों ने ये गैमा जो है इस वॉल्यूम के ऊपर खुद से पुट किया, यानी कि हम लोगों ने फार्मूले में थोड़ी सी एडिशन की थी लैपलेस ने अपने टाइम पर इस फार्मूले को साबित करने के लिए कि हम जो है स्पीड ऑफ साउंड कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर नहीं बल्कि कॉन्स्टेंट हीट पर फाइंड आउट कर सकते हैं सही तरीके से। तो अब हमारा बाकी का काम वैसे ही चलेगा जैसे कि हमने कहा था कि जो आवाज़ है वो भी दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, एक हिस्सा इसका कंप्रेशन कहलाता है और दूसरा हिस्सा रेयर सक्शन जहाँ पर हवा के जो मालिक्यूल्स हैं मीडियम के मालिक्यूल्स वो दूर दूर होते हैं। इसी तरह फिर एक कंप्रेशन आ जाता है और थोड़े वक्त के बाद फिर एक रेयर सक्शन आ जाता है। जब प्रेशर बिल्कुल ही कम अप्लाई हो यानी कि प्रेशर हमने ना जैसे नॉर्मल प्रेशर हो तो जो वॉल्यूम था वो वी वॉल्यूम होगा, जैसे हमारा प्रेशर P1 है और यहाँ पर हमारा वॉल्यूम जो है वो V1 है। लेकिन जैसे ही हम प्रेशर अप्लाई करते हैं यानी प्रेशर को बढ़ाते हैं P+ ΔP हो जाए हमारा प्रेशर P2, जो नया प्रेशर है वो उसमें एडिशन कर दी जाए किसी चीज़ की, तो हमें मालूम है जिस तरह से हमने न्यूटन के फॉर्मूले में किया था कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम हमेशा डिक्रीज करता है। तो वॉल्यूम में क्या डिक्रीज आता है कि ये जो आपस में ये मालिक्यूल्स हैं मीडियम के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं, मतलब बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, इनका वॉल्यूम जो है कम होना शुरू हो जाता है, फिर बाद में एक रेयर फ्रैक्शन आ जाता है, फिर कंप्रेशन, यानी इनका वॉल्यूम जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम V2 है वो पहले वॉल्यूम में से कुछ ना कुछ वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर आया होगा, इसमें से कुछ ना कुछ हमें तफरीक या माइनस करना पड़ा होगा
तभी हमारा जो वॉल्यूम V2 है वो पहले वॉल्यूम की नस्बत कम हुआ है। यही तो बॉयल्स लॉ है कि प्रेशर बढ़ाया जाए तो वॉल्यूम हमेशा कम होता है। यहाँ पर हम लोगों ने प्रेशर में एडिशन की है डेल्टा पी की, तो एज अ रिजल्ट हमारे वॉल्यूम में सब्ट्रैक्शन हुई है किस चीज़ की, डेल्टा वी की। डेल्टा वी वॉल्यूम है जितना भी इसमें डिक्रीज हुआ होगा। अब अगर इस चीज़ को बॉयल्स लॉ की फॉर्मूले की सूरत में लिखा जाए, जो कि अब हमारे पास पी जी गामा इक्वल टू ये पी वन वी वन गामा इक्वल टू पी टू और ये वी टू गामा, इस तरह से हमारा फॉर्मूला जो है न्यूटन वो बॉयल्स लॉ के फॉर्मूले को लैपलेस के मुताबिक चेंज करके इस तरह से बन जाता है। अब अगर इनकी वैल्यूज लगाएं तो हमें मालूम है कि हमारा प्रेशर पी वैसे ही था पहले वाला, जिसे हम पी वन की जगह खाली पी भी लिख सकते हैं और वॉल्यूम वी वन को वॉल्यूम वी भी लिख सकते हैं और गामा का कॉन्स्टेंट ऐसे ही ऊपर आ जाएगा। पी टू से हमें मालूम है प्रेशर पी टू जो है पहले प्रेशर में सम एडिशन की थी जो कि डेल्टा पी है। सिमिलरली प्रेशर बढ़ाने से हमारे वॉल्यूम में डिक्रीज हुआ था जो कि वी वन वॉल्यूम सब्ट्रैक्शन डेल्टा वी हुई थी, और इसके ऊपर भी हम लोगों को गामा की पावर लगानी पड़ेगी क्योंकि गामा का जो फैक्टर है वो वॉल्यूम के ऊपर है। अब अगर इन्हें आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो मल्टीप्लाई करना तो बहुत आसान है, लेकिन इस सूरत में आसान होता जब हमें मालूम होता कि यहाँ गामा की जगह या तो स्क्वायर होता या सिंपल वन होता या क्यूब, तो हम आसानी से क्यूब स्क्वायर और वन का फॉर्मूला ओपन कर सकते थे और इजीली इनको मल्टीप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब मसला ये है, हमें तो मालूम ही नहीं है कि गामा क्या है, गामा वन है टू है क्या है, हमें तो गामा के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। तो इसे हम इस तरीके से जो है गामा को अलहदा कर सकते हैं, जो कि अगर हम जैसे कि हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा बाइनोमियल थ्योरम की फॉर्म में लिखूँ, जैसे कि पी वन है डेल्टा वी, बाइनोमियल थ्योरम में लिखने के लिए आपको मालूम है कि वन प्लस एक्स की पावर एन होता है, यानी यहाँ पर एक्स होता है और समथिंग पावर एन होता है, यहाँ पर वन का आना मस्ट होता है, तभी हम बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इस तरह से करूँ कि ये वी वन जो है इसे मैं बाहर निकाल लूँ, ब्रैकेट से बाहर ले आऊँ, तो यहाँ पर मेरे पास वन आ जाएगा और इसके बाद माइनस ऐसे डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी कर दूँ, इस तरह से कर दूँ और पूरी की पूरी ब्रैकेट के ऊपर गामा और ये जो वी बाहर मैंने कॉमन लिया इसके ऊपर भी अलहदा से गामा लिख दूँ, तो ये काफ़ी हद तक बाइनोमियल थ्योरम की फॉर्म बन जाती है, यानी कि इसे मैं बाइनोमियल जो है इक्वेशन उसकी फॉर्म में लिख सकती हूँ। अब अगर एक और बात पर गौर कीजिए कि हमारा ये जो वी वन है या पी वन है, ये भी तो हमारा प्रेशर पी वन पहले वाला ही था ना, और हमने पी वन प्रेशर को सिंपली पी लिखा है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर भी इस चीज़ को इरेज कर दूँ, यहाँ पर भी खाली पी वन की जगह पी ही लिखूँ और वी वन की जगह खाली वी ही लिख दूँ, तो हमारे पास जरा इजी फॉर्म बन जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो भी गामा की फॉर्म में आ जाएगा और वन हम लोगों ने रहने दिया। अब देखा जाए तो इस चीज़ को मैं इजीली जो है बाइनोमियल थ्योरम की फॉर्म में लिख सकती हूँ, बाइनोमियल इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकती हूँ। बाइनोमियल इक्वेशन की फॉर्म में लिखने के लिए ये बस वन का यहाँ पर होना मस्ट था और एन की जगह हमारा यहाँ पर गामा है। तो अब यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर पी और वो जो वॉल्यूम है उसकी पावर गामा, देखा जाए तो ये वी गामा इस वी गामा से इजीली कैंसल आउट हो सकता है और हमारा जो प्रेशर है वो पी इक्वल्स टू पी प्लस डेल्टा पी और इंटू वन माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी है। अगर मैं ऐसा करूं कि इस माइनस को इसके साथ लिख दूं और यहां प्लस कर दूं, तो ये भी हमारे पास और ज़्यादा इजी फॉर्म बन जाएगी, क्योंकि हमारे पास वन प्लस एक्स है, अब हमारे ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि माइनस साइन क्यों आ रहा है, माइनस को अंदर ले जाएं और बाहर प्लस लगा दें, तो और ज़्यादा इजी फॉर्म बन जाती है। अब हमें मालूम है कि अगर हमें बाइनोमियल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना हो तो हम इस चीज़ को इस तरह से लिख सकते हैं ना कि वन प्लस एन एक्स, फिर आगे प्लस आ जाता है और फिर एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल और एक्स की स्केयर आ जाती है, यानी कि जो एक्स यहाँ पर होता है उसका स्केयर आ जाता है। अब अगर देखा जाए इस चीज़ को मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ तो हमारे पास जो प्रेशर पी है एज इट इज़ ही रहेगा, पी प्लस डेल्टा पी भी एज इट इज़ ही रहेगा, और यहाँ पर इसको कन्वर्ट करने के लिए वन वैसे ही आ गया, फिर एन एक्स इसका मतलब है एन हमारा गामा है प्लस गामा और एक्स हमारा ये है जो कि माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी है, ये वन प्लस एन एक्स की फॉर्म बन गई। और आगे देखा जाए तो एन माइनस एन वन डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल इंटू एक्स का स्क्वायर आना चाहिए,
यानी कि स्क्वायर, यहाँ पर अब एक्स हमारा डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी है। आप एक चीज की गौर करें कि डेल्टा वी तो खुद ही इतना स्मॉल है, जब डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी का मैं स्क्वायर लूंगी ये वाली फॉर्म बनाने के लिए, सेकेंड फॉर्म बनाने के लिए टू फैक्टोरियल वाली, तो ये तो डेल्टा वी है मैं मजीद स्मॉल हो जाएगा। इसी वजह से मैं ज़्यादा हायर डेरिवेटिव वाली पावर्स नहीं ले रही, ज़्यादा हायर जो है फैक्टोरियल पावर नहीं ऐड कर रही, क्योंकि डेल्टा वी तो दूसरी पावर पर ही बहुत ज़्यादा छोटा आ जाएगा। तो मैं इसे दूसरी पावर पर ही लिख सकती हूँ कि जब यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा ना कि एन जो है गैमा इंटू गैमा माइनस वन डिवाइडेड बाई टू फिक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये बहुत छोटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो है, जिसकी वजह से आगे वाली सब की सब पावर हमें निग्लेक्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि डेल्टा वी खुद ही इतना स्मॉल है, फिर उसका स्क्वायर आ जाएगा तो और स्मॉल हो जाएगा। और जैसे जैसे हम आगे आगे चलते जाते हैं बाइनोमियल इक्वेशन में, तो टू फिक जब यहाँ पे थ्री फिक्टोरियल आता है तो यहाँ पर क्यूब आ जाता है, मतलब कि पावर जो है वो बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से हम लोग बस अपना फॉर्मूला यहाँ तक ही रखते हैं। तो देखा जाए तो हमारा फॉर्मूला कितना ईजी कर दिया है बाइनोमियल इक्वेशन ने। यही तो फ़ायदा है बाइनोमियल इक्वेशन का कि उसको कहीं ना कहीं तो हम अप्लाई करते हैं ना चीज़ों को आसान बनाने के लिए। अब क्या होता है कि माइनस मल्टीप्लाई होगा जब इससे गैमा से, तो माइनस गैमा डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी, अब ये हमारे पास बिल्कुल ईजी सी फॉर्म बन गई है। अब आप इसे आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ये प्रेशर इधर ही रहेगा और ये प्रेशर इससे मल्टीप्लाई हुआ वन से प्रेशर, फिर माइनस गैमा डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी इंटू प्रेशर पी, फिर और फिर जब डेल्टा पी वन से मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पे प्लस डेल्टा पी, और जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा इधर गैमा डेल्टा वी डेल्टा पी डिवाइडेड बाई वी ये बन जाता है। ये चीज़ डेल्टा पी नहीं बल्कि डेल्टा वी है, क्योंकि हम लोगों ने डेल्टा वी से मल्टीप्लाई किया है ना, इसलिए यहाँ पर डेल्टा वी आएगा। और इसे आगे जब फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, फर्दर देखा जाए तो ये पी जो है ये इस पी से कैंसिल आउट हो जाता है, और इस वाली चीज़ को इस सत्य को अगर गौर किया जाए तो अब देखा जाए तो ये दोनों डेल्टा वी और डेल्टा वी बहुत ही स्मॉल है, जिसकी वजह से हम लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। जिस तरह से न्यूटन के लॉ में हम लोगों ने न्यूटन का फॉर्मूला प्रूव करते हुए हमने कहा था कि डेल्टा वी और डेल्टा पी जो है बहुत ही स्मॉल है, तो हम इसे जो है इग्नोर कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किया। जब भी डेल्टा वी की बात आती है ना, किसी भी वैल्यू में डेल्टा आ रहा है, चूँकि भी डेल्टा वी बहुत ही स्मॉल है और डेल्टा पी भी बहुत ही स्मॉल था, आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो भी बहुत स्मॉल है, जिसकी वजह से अगर मैं इन्हें अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो कर दूँ या इग्नोर कर दूँ तो ये वाला फैक्टर भी ख़त्म हो जाता है। तो अब हमारे पास जो चीज़ बचती है वो ये बच जाता है कि यहाँ पर अब हमारे पास डेल्टा पी इक्वल्स टू यहाँ पर हमारे पास माइनस गैमा का, जो कि प्लस गैमा हो जाएगा। गैमा प्लस इस वजह से होगा कि यहाँ पर अब कुछ भी नहीं है, जब ये वाली चीज़ यहाँ पर जाएगी तो इसका नेगेटिव साइन जो है वो पॉजिटिव में तब्दील हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर प्लस गैमा डेल्टा पी वी डिवाइडेड बाई वी है, डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी। अब देखा जाए तो हमारे पास जो फॉर्म है वो बहुत ही छोटी सी बन गई। हमारा इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड जो फॉर्मूला था जिसमें हम लोगों ने गैमा का फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाया था, बिल्कुल छोटा सा हो गया, यानी कि इतना सही हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब देखा जाए तो अगर मैं इस चीज़ को इस तरह से लिखना चाहूँ कि डेल्टा वी ऐसे ही लिख लूँ डेल्टा पी, और इस चीज़ को ये वाली चीज़ को इस फैक्टर को, ये जो डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी है ये वाला फैक्टर, अब इस फैक्टर को यहाँ पे गौर की जाए तो देखें कि ये वाला फैक्टर जो है, अगर इसको इजी तरीके से लिखा जाए तो यहाँ पर ये वाला पूरा का पूरा फैक्टर जो है यहाँ पर पी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं पूरे के पूरे फैक्टर को उठाकर इसके नीचे डिवाइड कर दूँ तो यहाँ अगर ये डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी बन जाएगा, या दूसरे तरीके से आप इसे यूज भी कर सकते थे कि डेल्टा पी अगर यहाँ पर है डेल्टा पी, और डेल्टा पी के नीचे पहले यहाँ पर वी डिवाइड हो रहा है, इसे जाके पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए और डेल्टा वी को डिवाइड कर दीजिए। अगले स्टेप में इसे नीचे ले आइए तो यहाँ पर जब ये नीचे आएगा तो ऊपर से ख़त्म हो जाएगा बात, तो यहाँ पर भी वैसे ही आ जाती है जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर की है, और यहाँ पर हमारे पास जो फैक्टर बच जाता है वो गैमा पी है। तो अब देखा जाए तो हम इसे यूँ लिख सकते हैं कि मेरे पास जो गैमा वी पी है, जो प्रेशर के साथ अब गैमा लग रहा है, गैमा पी इक्वल्स टू डेल्टा वी और डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं कि ये स्ट्रेस है, क्योंकि जो प्रेशर होता है वो फोर्स डिवाइडेड बाय यूनिट एरिया है, और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम में चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम है, इसे हम लोग स्ट्रेस
है तो ये स्ट्रेन हो जाती है, लेकिन ये वॉल्यूम मेट्रिक स्ट्रेन है क्योंकि ये वॉल्यूम में चेंज होने की वजह से आई है, इसकी वजह इसलिए इसे वॉल्यूम मेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं। और ऊपर वाली चीज़ जो है वो स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन जो है हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई आ जाता है, क्योंकि दोनों ही क्योंकि ई जो है वो एक कॉन्स्टेंट फैक्टर है टू रेशियोज के दरमियान, इन दोनों के यूनिट्स भी सेम होते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई के इक्वल आ जाती है। अब हम लोगों ने न्यूटन के फॉर्मूले में कहा था कि जो ई है वो प्रेशर पी के इक्वल है, लेकिन लैपलेस की करेक्शन के दौरान हमारे पास एडिशन हो गया है कि हमारे पास जो ई है वो खाली प्रेशर के बराबर नहीं बल्कि गामा प्रेशर के इक्वल है। तो इस चीज़ को जो हम लोग फॉर्मूले में लगाते हैं जो कि वी इक्वल्स टू अंडर रूट ई था ई डिवाइडेड बाय रो, ये वाला हमारा इनिशियल फॉर्मूला था जिसको डिराइव करके अब हम लोग ये लिख सकते हैं कि ई की जगह गामा पी डिवाइडेड बाय रो डेंसिटी ऑफ दैट मटेरियल। अब क्या होता है कि गामा की वैल्यू चूंकि हमने बता दिया है कि डायटोमिक गैसेस के लिए 1.4 है, तो इसकी वैल्यू पुट करने से लैपलेस ने जो वैल्यू निकाली थी उसकी स्पीड ऑफ साउंड की उस मीडियम के अंदर वो 333 मीटर पर सेकंड थी, जो कि 332 मीटर पर सेकंड के बहुत नज़दीक थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने लैपलेस के जो फॉर्मूला है इसको सही मान लिया था, क्योंकि इसके फॉर्मूला से बहुत ही कम एरर आता था एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में और जो लैपलेस ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान की थी उस वैल्यू में। ये वाली वैल्यू जो है वो स्पीड ऑफ साउंड की है 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो जो लैपलेस ने निकाली थी वो भी वैल्यू काफ़ी हद तक हमारी इस वैल्यू के करीब थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने लैपलेस के फॉर्मूले को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, जबकि ये फार्मूला भी जो है न्यूटन के फार्मूले से ही डिराइव किया गया था। बस फर्क ये पड़ा था कि न्यूटन ने अपने फार्मूले के दौरान ये कहा था कि हम लोग टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट मान रहे हैं, जबकि लैपलेस ने कहा था कि हम टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं ले सकते, हमें हीट को कॉन्स्टेंट लेना पड़ेगा। तो लैपलेस ने ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो एडियाबेटिक प्रोसेस में सॉल्व किया था और उसकी निकाली थी स्पीड ऑफ साउंड जो है हमारी जो एक्सपेरिमेंटल या ओरिजिनल स्पीड ऑफ साउंड है उसकी काफ़ी नज़दीक निकलती थी, जिसकी वजह से लैपलेस के फार्मूले को जो है सही मान लिया गया था। और इस तरह से हम लैपलेस का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो गामा पी डिवाइडेड बाय रो अंडर रूट के इक्वल होती है।